आप सभी का स्वागत है डिटेक्टिव एडम सासा के ऑफिस में। सभी लोग धक्का मुक्की नहीं करना, बाड़ी बाड़ी आना, वरना वन टैप मार देंगे। चलो पहला नंबर है जादू के भाई का, अपना प्रॉब्लम बताओ। अरे क्या बताऊँ भाई, मैंने बहुत मेहनत करके डायमंड इकट्ठा किए थे, वो चोरी हो गए। बाबू साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है एडम सासा, मेरी मदद कर दो। मैं आज सुबह सुबह हल्का होने गया और देखा तो मेरा टॉयलेट चोरी हो गया। अरे रे, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। पहले शेख साहब का कॉल आया था, उनसे बात कर लेता हूँ। हेलो एडम भाईजान, तुम कैसी होती? एडम सासा तो अच्छी होती, आप सुनाओ शेख साहब। अरे एडम भाईजान, मेरा बाबू मेरा पेट्रोल का टैंकर लेके भाग गई, मुझे वो वापस मांगती। बाबू मोसा पहले मेरी मदद करो, मेरा टॉयलेट चोरी हो गया है तो सुबह से हल्का नहीं हुआ हो। शेख साहब दो मिनट लाइन पे रहना, मैं पहले एक सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। हाँ भाई, तो जादू तेरा टॉयलेट चोरी हो गया? अरे नहीं, मेरे डायमंड चोरी हो गए है। अच्छा अच्छा, तो बेल आज सुबह तू हल्का होने गया तो डायमंड निकला? अरे नहीं नहीं, कुछ निकला ही तो नहीं हो, क्योंकि मेरा टॉयलेट चोरी हो गया हो। अरे एडम भाई जान, उसको बोलो लोटा लेके खेतों में चला जाए, पहला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करती। हाँ शेख साहब, तो आपकी बाबू टॉयलेट लेके भाग गई और आपको हल्का होना है? अरे नहीं, क्या बोल रही है तुम, मेरी बाबू पेट्रोल लेके भाग गई। अरे वो कंफ्यूजन हो गया शेख साहब, दो मिनट लाइन पे रहना। हाँ भाई जादू, तो तेरी बाबू टॉयलेट में से चोरी हो गई? अरे नहीं, मेरे तो डायमंड चोरी हो गए है। अच्छा हाँ, तो बेल तू सुबह हल्का हो रहा था और तेरी बाबू टॉयलेट लेके भाग गई। अरे नहीं, मैं हल्का ही तो नहीं हो पाया हूँ। अच्छा तो शेख साहब, आपकी बाबू टॉयलेट में से डायमंड लेके भाग गई? अरे नहीं, हमारा बाबू पेट्रोल लेके भाग गई थी, फोन रखो, क्योंकि हमारा दूसरा बाबू आ गई जो डीजल लेके भाग गई थी। अरे वाह शेख साहब, तो बड़े हैवी ड्राइवर है। और सुनो, तुम दोनों का काम हो जाएगा, जादू का डायमंड और बेल तेरा टॉयलेट मिल जाएगा। बस हमारी फीस पहले जमा करवा दो तुम लोग, 10,000 डायमंड। हाँ बाबू मोसाई, मंजूर है, पर जल्दी करो। अबे नुबड़े, पहले पूरा सुन तो ले। 10,000 डायमंड, 1,00,000 रुपया, तेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ्री फायर की रेड आईडी और तेरे बाबू का नंबर। अरे भाड़ में जाइए, ये सब मोह माया है, अब से मैं डायमंड ही इकट्ठा नहीं करूँगा। हाँ बोलो लोकेशन स्वामी। अबे तू कहाँ चला गया है, जल्दी चल, डायमंड का गिव अवे शुरू हो गया है। अरे काम हो गया, चल मैं अभी आता हूँ। बेल तू एक काम कर, हमारे क्लॉक टावर वाला टॉयलेट यूज कर ले। और पहले बताना सोना, अब तो हो गया। अरे इन दोनों नुबड़ों का छोड़ो, अब गांव वालों तुम अपना प्रॉब्लम बताओ। चलो बाबू, अब हम यहाँ पर एडम की ऑफिस पर सबको चाय पिला देते हैं। एडम सासा देख रहे हो, साई वाला आज सकुड़ी लेके घूम रहा है। चलो चाय 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 चाय, चाचा कितनी चाय दूँ बोलो। ओए सकुड़ा कितनी चाय दूँ। ओए अच्छा हुआ हिप्पू तू आ गया, चल मेरे लिए एक मसालेदार चटपटी चाय बना। ठीक है साहब जी, अभी बनाता हूँ। चल आलोक, पहले तू बता तेरा क्या प्रॉब्लम है। अरे चाचा, जब मैं ऑफिस से काम करके वापस आऊँ तब मेरी कार का कोई रोज पंचर कर दे वैसे। ओ इसका तो कोई पंचर कर देता है, पर मेरी तो रोज कोई कार ही उठा जाता है। अरे सासा, इस नुबड़े की कार उठ जाती है और ये हिप हॉप को देखो, मर्सिडीज लेके घूम रहा है। हाँ चाचा, मैं आपको टक्कर दे सकता हूँ, दम है तो कर लो कलेक्शन वर्सेस। अबे नुबड़े, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है, हमें बहुत सारे केस सोल्व करने है। हाँ भाई सीजन 3, तो तू भी बता दे तेरी क्या समस्या है। अरे चाचा, मेरी भी रोज सुबह कार उठ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, इस केस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अरे मेरी भी कार उठ जाती है। अरे क्या बात कर रहा है, तेरी रोज मेरी भी कार उठ जाती है। अरे इसका मतलब सबकी कार चोरी हो रही है। अरे कोई नहीं भाई लोग, आप टेंशन मत लो, अब ये केस एडम चाचा सॉल्व करके ही रहेगा। सासा पहले हम यहाँ आते थे तो कितनी सारी गाड़ियाँ हुआ करती थी, पर अब तो यहाँ एक भी कार नहीं दिख रही है, इसका मतलब गाँव वालों की सबकी कार चोरी हो गई है। पर कमाल है, हमारी तो एक भी कार चोरी नहीं हुई। अरे आज तो ऑफिस में बहुत काम था, थक गया, पर अब तो शांति से घर पे जाके रैंक पुश करूंगा। वैसे आज तो मेरी कार को कुछ ना हुआ होगा, क्योंकि मैंने पुलिस में कंप्लेन किया था। पर एक मिनट, मेरे कार के टायर क्यों नहीं दिख रहे से? लगता से ये नूबड़े आज मेरी कार के टायर ही उठा के ले गए, और इसके टायर भी बहुत महंगे आवे से, मेरे एक महीने का सैलरी चला जाएगा। अरे साहब टेंशन मत लो, मेरे जान पहचान के गैराज वाले है, सस्ते में आपको टायर दिलवा देंगे। अरे तारी बहुत मेहरबानी हो जाएगी, चल सस्ते में करवा दे गाड़ी रिपेयर। ओए नूबड़े,
नोबड़े आदम यहाँ क्यों खड़ा है? तेरे भी बाइक में पंचर हो गया क्या? अरे किसी में हिम्मत है क्या जो आदम सासा के बाइक को पंचर करे? हम तो उस पंचर गैंग को ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ढूंढ लेना उनको। अरे आदम, तू यहाँ पे टाइम पास कर रहा है? आज फिर वो पंचर गैंग ने मारे टायर उठा लिए। अरे बहुत हो गया, हम इनको पकड़ के ही रहेंगे। कल हम तेरी ऑफिस के बाहर छुप कर पहरा देंगे। आज तो मैं भी देखता सू पंचर गैंग मारी गाड़ी में पंचर कैसे करे से, क्योंकि आज मैं मेरे टायर ही घर पे छोड़ के आया सू। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अरे सासा, ये डीजे वाले आरोप ने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया। चल कोई नहीं नुबड़े, तू अपने ऑफिस में चला जा, फिर हम देखते हैं वो पंचर गैंग आती है कि नहीं। सासा सासा जल्दी सुख जाओ, एक बंदा आ रहा है गाड़ी लेके। अरे यार आज तो बहुत लेट हो गया ऑफिस पे, जल्दी जाना पड़ेगा वरना बॉस डांटेंगे। अरे नहीं सासा, ये तो ऑफिस में पोछा मारने वाला लग रहा है। अरे क्रिमिनल उधर देख, वहाँ से एक व्हाइट कलर की कार आ रही है। ओए गाड़ी रोक, मेरे को रास्ता क्लियर लग रहा है, मैं अभी अपना काम करके आता है, तू जा अपने अड्डे पे पहुँच। सासा इन पे मेरे को थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि सकड़ से ही पंचर वाले दिखते हैं। अबे ये क्या, आज तो आलोक अपनी कार का टायर घर पे ही भूल गया है। चलो कोई नहीं, आज पोछे वाले की कार का पंचर करते है। चलो इनका चारों टायर तो पंचर कर दिया, अभी मैं शांति से बैठ के देखता है। अरे आर्टिक ब्लू, तन्ने मैनेजर किसने बना दिया? शकल से तो तू पोछा वाला दिखे से। अबे तुझे डीजे क्लार्क किसने बना दिया? शकल से तो तू भी सबकी शादियों में ढोल बजाने वाला लगता है। ठीक से, मैं तो चला शादियों में ढोल बजाने, तू अपना पोछा मारने का देख लेना। अरे वो सब तो ठीक है, पर मेरी कार में पंचर कैसे हो गया, वो भी चारों टायर में? अरे तन्ने ना पता, शहर में पंचर गैंग घूमे से, अपने टायर का ख्याल रखियो। अरे यार अब मैं क्या करूँ, मेरी बाबू को खाना खिलाने ले जाना था, अब लेट हो जाएगा। अरे साहब जी आपको ध्यान रखना चाहिए ना, यहाँ कैसे कैसे आवारा टुक टुक कर छपरी लोग घूमते रहते हैं। पर आप टेंशन मत लो, मैं आपकी गाड़ी सस्ते में रिपेयर करवा देगा, अपना खुद का ही गैरेज है। ठीक है भाई, थैंक यू, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सासा ये तो गजब छपरी आदमी निकला, पहले खुद ही पंचर करता है और खुद ही ठीक करवाने ले जाता है। चलो साले को लेते हैं। अरे नहीं तू कोई जल्दबाजी मत कर, हमें इसे रंगे हाथ पकड़ना है। चलो कोई नहीं आलोक, नहीं तो आर्टिक ब्लू ही सही, हमें तो बकरे से मतलब है। चलो सासा उसका पीछा करते हैं। ओए आर्टिक ब्लू, हमें पता है तेरी कार के टायर किसने पंचर किए थे। चलो अब मेरा गैरेज आ गया, अभी गाड़ी रिपेयर कर देता हूँ। अरे इसने तुझे बकरा बनाया, ये वही बंदा है जिसने तेरी कार में पंचर किया था और फिर तुझे लालच दी कि ये सस्ते में गाड़ी रिपेयर कर देगा, पर अब ये तेरी कार किसी को बेच देगा। अरे वाह क्या कार है, आज तो बहुत तगड़ी कमाई होगी। चलो चलो भाई लोग जल्दी काम करो, वो आर्टिकल ब्लू राह देख रहा होगा। चलो भाई लोग गाड़ी रिपेयर हो गई है, अब मैं उसे वापस देख के आता है। अबे आर्टिकल ब्लू तू इधर काहे को आया? साले तुझे इतने टाइम से ढूंढ रहे, आज हाथ में आया। सासा हुकुम करो, अभी इसे वन टैप मार देता हूँ। चल अब सच बता, क्यों गांव वालों की गाड़ियाँ चोरी कर रहा था? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मैं गाड़ियाँ चोरी नहीं करता है, मैं तो बस पंचर करके रिपेयर करके वापस कर देता है धंधा बढ़ाने के लिए। अबे झूठ मत बोल, तुझे रंगे हाथों पकड़ा है हमने। अरे सासा सकूड़ा का कॉल आया कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई। अरे क्या बात कर रहा है, इसकी गैंग तो यहाँ पर है, फिर गाड़ी किसने चोरी की? अरे साहब मैं बताया तो था हम गाड़ी चोरी नहीं करते, गाड़ी चोरी होने के पीछे कोई मास्टर माइंड है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तब तक के लिए पार्ट 1 अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो।